हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग स्टेनोग्राफर के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। और ये प्रीवियस पेपर है 13 अगस्त का। 12 अगस्त को 3 सेट हुए थे, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट में, जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। एक शिफ्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 13 अगस्त का आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक। अभी शुरुआत हो रही है 13 अगस्त की, तो 3 पार्ट में करते हैं। तो आज हम 13 अगस्त का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व करेंगे। और ये पूरी तरह से वोकैब और ग्रामर बेस्ड होता है। जो 65 क्वेश्चन होते हैं वो वोकैब और ग्रामर बेस्ड होते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वोकैब और ग्रामर का होता है, और जो पार्ट 3 होता है उसमें हम लोग पैसेज कहते हैं, क्रॉस टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, मैंने आप लोगों को भेज दिया था दोपहर में ही पीडीएफ। तो पीडीएफ आपने सॉल्व कर लिया होगा, और देखते हैं, चलते हैं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, ठीक है। और हाँ, जो लोग अभी हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हैं, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि 2022 का भी स्टेनोग्राफर का सारे सेट लगा चुके हैं हम लोग, उसका डिस्कशन है। और इसी प्लेलिस्ट में जिसमें ये पढ़ते हैं, इसी प्लेलिस्ट में वो भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना डिस्कशन। और आज का आपका पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्या करना है इसमें आपको, एरर बतानी है। पहला ही ऑप्शन नो एरर लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि सी हैव बीन स्पेंडिंग ऑल हर मनी ऑन हर फ्लैट टू मेक इट मोर डेकोरेटिव। वो जितना कमाती है सारा पैसा अपने फ्लैट को डेकोरेट करने में खर्च कर देती है। तो ये जो सी है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है। तो भैया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगती है, हैव की जगह पर क्या होना चाहिए, हैज। सी हैज बीन स्पेंडिंग ऑल हर मनी, ना कि सी हैव, ठीक है। तो एरर कहाँ है, ये हैव बीन गलत हो गया, यहाँ पे हैज बीन होना चाहिए था। तो चौथा वाला ऑप्शन हुआ आपका। आगे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आ गया। यहाँ लिखा है सी एक्सक्लेम डिलाइटफुली, तो रिपोर्टिंग में ही एक्सक्लेम्ड लगा दिया है उन्होंने, कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। डिलाइटफुली उन्होंने कहा है तो हम भी डिलाइटफुली ही रखेंगे, हम क्यों चेंज कर देंगे। तो सी एक्सक्लेम्ड डिलाइटफुली, हो सकता है डिलाइटफुली को हम, अब डिलाइटफुली कहीं दिया नहीं है, डिलाइटेडली दिया है, विद डिलाइट दिया है और विद डिलाइट दिया है। तो अब इसमें एक्सक्लेम के साथ विद डिलाइट दिया नहीं है, तो इसको यहाँ पे हम छोड़ देंगे। बाकी आया डिलाइटेडली, तो डिलाइटेडली भी नहीं लगेगा, ठीक है। डिलाइटफुली का विद डिलाइट होगा। तो दो ऑप्शन है हमारे पास। आगे देखते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, तो वाह क्या खूबसूरत सनसेट है। तो सूरज डूबने का सीन देखा होगा उसने। यहाँ देख लेते हैं, अब यहाँ है कि दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल सनसेट, यहाँ लिखा ऑन सीइंग द ब्यूटीफुल सनसेट, ऑन सीइंग द ब्यूटीफुल सनसेट नहीं, बल्कि ये क्या होगा, दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल सनसेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, मतलब इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सनसेट। तो ये तीसरा वाला जो है वो सूटेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि पैसिव वॉइस में चेंज करो। सेंटेंस देखते हैं कि द कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इसमें जो कंपनी है ये सब्जेक्ट है, इज लॉन्चिंग वर्ब है, अ न्यू प्रोडक्ट क्या है, वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। तो इज लॉन्चिंग, इज लॉन्चिंग है, तो क्या करना होगा कि इज तो रहेगा ही रहेगा, लॉन्चिंग जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है तो क्या लगा देते हैं, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो पहले तो आप बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढो। तो यहाँ विल बी लॉन्चिंग नहीं होगा, यहाँ बीइंग लॉन्चिंग नहीं, लॉन्च्ड होना चाहिए। बीइंग लॉन्च्ड यहाँ लिखा है और बी लॉन्च्ड यहाँ लिखा है, तो बीइंग होना चाहिए ना, कंटिन्यूअस है। तो दो ही चांस था, ये बीइंग का चांस था, तो बीइंग के बाद लॉन्चिंग में लगा दिया, गलत हो गया। अब यही बीइंग लॉन्च्ड सही होगा आपका, तो थर्ड वाला हो गया, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। अच्छा ये बार बार बताते हैं, अब तक में ये हमको लगता है दसियों बार बता चुके हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है और कह रहे हैं कि इसका आपको क्या करना है, इसकी जगह पर जो सब्स्टिट्यूट कर सके। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होगा कि आपको इसकी मीनिंग लेनी पड़ेगी और का सिमिलर वर्ड यूज़ करना है। एक तरह से ये पूछ रहे हैं सिमिलर वर्ड, बस घुमा के, मतलब एक इधर से कान ना पकड़ के इधर से घुमा के कान पकड़ रहे हैं, और कोई बात नहीं है।
तो काजल हैज़ एन इंक्लाइनेशन फॉर हिस्ट्री, मतलब इतिहास के प्रति उसकी रुचि है, इस इतिहास में उसका इंटरेस्ट है, यही कहना चाहते हैं ना। तो एडॉप्टिव का मतलब क्या होता है, ग्रहणशीलता होती है, ये लेंगे नहीं, एटीट्यूड, एटीट्यूड नहीं है ये, ठीक है, एटीट्यूड ढंग होता है वो नहीं लग पाएगा। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिरुचि, एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट होता है आपका, और यही इंक्लाइनेशन हो जाएगा, तो एप्टीट्यूड लगेगा यहाँ पे। अल्टीट्यूड क्या होता है, ऊंचाई के लिए यूज किया जाता है, हाइट के लिए, ठीक है, कहते हैं अल्टो अल्टीट्यूड अक्सर वो होता है ना, मतलब जो जैसे हिमालय का अल्टीट्यूड या किसी भी जगह का समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है उसको उसका अल्टीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ इंक्लाइनेशन, अभिरुचि, इंटरेस्ट के लिए एप्टीट्यूड यूज किया जाएगा, ठीक। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है कि यहाँ फिर वही डायरेक्ट स्पीच दिया है, तो मतलब डायरेक्ट स्पीच में आपको करना है चेंज, ये इनडायरेक्ट में दिया है, टीना सेड, टीना सेड अब सेड ही रहेगा, दैट लगा है यही, इन्वर्टेड कामा लग जाएगा, द सर्वेंट माइट कम द नेक्स्ट डे, माइट का अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे चूँकि कहानी पास्ट में है तो यहाँ पे क्या लगा होगा, मे लगा होगा, और द नेक्स्ट डे का क्या क्या होगा, टुमारो होगा। तो पहले तो आप यहाँ पे हम देख लेते हैं, मे ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ विल लगा है, यहाँ विल लगा है, ये दोनों तो कट गए, इन दोनों में मे लगा हुआ है, ठीक है, तो मे लगा है तो देख लेते हैं टूडे, तो टूडे नहीं होगा, टुमारो आना चाहिए था, ठीक है ना। तो टुमारो वाले में अब तीन तो गलत हो गया ना, एक बचा हमारे पास, ठीक, तीसरा वाला। अब आगे आ जाओ, आगे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहे हैं, अंडरलाइन किया हुआ है और ये है इडियम भाई, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ ये इडियम है, द ओल्ड मैन स्टार्टेड टू ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है ना अपना राग अलापना, अपना राग अलापने का मतलब आप दूसरे किसी की सुन ही नहीं रहे हैं, बस अपने ही झोंके पड़े हैं, थोड़ी लंबी लंबी भी झोंक रहे होते हैं उसमें, एक तरह से अपने ही बारे में डींगे मारना, सीखी बघारना, यही सारी चीज़ें आती हैं, दूसरे किसी की बात नहीं सुनते, तो टॉक बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ, तो ये एकदम से ठीक है, मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना नहीं होगा, बी फ्रेंडली नहीं होगा, सपोर्ट वंस काज ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, टॉक बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ, ठीक। तो आगे आते हैं, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 में देखो क्या करें, एक्टिव वॉइस में चेंज करो, तो ये लिखा है दीज पार्सल्स विल बी डिलीवर्ड, विल बी डिलीवर्ड, अब विल वी के साथ अगर डिलीवर्ड थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ रहा होगा विल, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। अच्छा, बाई कौन ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बाई के साथ किसने ये किया है ये दिया हुआ नहीं है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, मतलब सब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट में, जिसको हम पैसे में एजेंट कहते हैं, तो वो नहीं दिया है तो हमें अपनी ओर से लगाना पड़ेगा, तो देखें कौन कर सकता है ऐसा, दीज पार्सल्स तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि पैसिव में सब्जेक्ट है, तो एक्टिव में वो सब्जेक्ट नहीं होगा, और लेटर दीज पार्सल्स ये भी नहीं होगा, दीज पार्सल्स से हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, पैसिव में हमको एक इमेजिनरी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो इमेजिनरी सब्जेक्ट कौन होगा, समबड़ी होगा ना, कोई किसी ने उसको डिलीवर किया है, कोई डिलीवर कर देगा, तो समबड़ी के बाद हमें विल लगाना है, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है, तो विल बी थर्ड फॉर्म का मतलब हुआ कि वो पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में क्या होती है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, तो आपके पास यही समबड़ी विल डिलीवर, यही एक बचा हुआ है थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है, होना भी नहीं चाहिए। चलिए, ये बातें बार बार तो होती हैं, रोज आई थिंक एक बार हो जाता है इस सब पे, ठीक है। आगे आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगला क्या होगा आपका, 8 होगा, ठीक है, तो ये ले लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहा ये, इसमें क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है, और इस अंडरलाइन किया हुआ है जो उसका वो है एक idiom, तो उसकी मीनिंग बतानी है, दे हैव बिन लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का जानते हो मतलब क्या होता है, कि मतलब किसी तरह से गुजारे भर का कमा पा रहे हैं, बस मतलब जो नेसेसरीज हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, आवश्यक आवश्यकताएं हैं, वही पूरी हो पा रही हैं, नो कम्फर्ट नो लग्जरी, ठीक है। आगे लिखा क्यों, क्योंकि सिंस दे लास्ट देयर प्रॉपर्टी इन दैट केस, कोई केस हुई थी उसमें उनकी सारी प्रॉपर्टी चली गई थी, तो इसलिए वो किसी तरह से गुजारा कर पा रहे हैं बस, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, ये हो गया लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो ऑकवर्ड सिचुएशन होगी, नहीं ये नहीं होगी, कम टू नथिंग भी नहीं होगा, हैव जस्ट एनफ मनी टू स्पेंड ऑन बेसिक नीड्स, केवल ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं, केवल उतना ही उनके पास है, तो थर्ड वाला होगा, डील विद ट्रबलसम पर्सन नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आपके अगले वाले क्वेश्चन पर, आपका क्वेश्चन नंबर
9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से एक एडियम दिया हुआ है। एडियम क्या है? मिंसिंग वॉक। तो मिंसिंग वॉक का मतलब जानते हैं क्या होता है? बहुत ही छोटे छोटे और डेलिकेट स्टेप्स का मतलब। याद करो जैसे दुल्हन जब मंडप में आती है तो बड़े छोटे छोटे कदमों से और बड़े ही नाजुक ढंग से चलती है, तो उसी को कहते हैं मिंसिंग वॉक होता है ना, स्मॉल एंड डेलिकेट स्टेप्स होता है। ठीक है ना, अब तो समझ गए होगे क्लियर इस बात को। चलिए तो भी नीचे बिग एंड लार्ज हाउस नहीं होगा, स्लो टॉल एरोना एटल एरोना नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, यही होगा स्मॉल छोटे छोटे कदमों से। ठीक है, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका। देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, फिर अंडरलाइन किया हुआ है और लेकिन यहाँ करना है आपको नो सब्स्टिट्यूशन देने का मतलब हुआ यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर ढूंढो। इफ़ देयर इज एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो देन यू विल नीड टू चेंज, अदरवाइज नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा है इट इज़ ईजियर टू लर्न इंग्लिश दैन, तो दैन तो अपनी जगह पर ठीक ही लग रहा है मुझे क्योंकि यहाँ पे ईजियर लिखा हुआ है, ईजियर के साथ दैन लगेगा, ये ठीक है। और ईजियर के बाद टू लर्न इंग्लिश, इन्फिनेटिव के फॉर्म में टू लर्न इंग्लिश है, यहाँ पे टू लर्न जर्मन है, तो कंपेयर करो तो बराबर टू लर्न इंग्लिश और टू लर्न जर्मन और ईजियर के साथ दैन, कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही है, तो यहाँ पे क्या करोगे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, क्लियर है। चलिए अगर चेक करना चाहते हो तो क्या होगा, लर्निंग, यहाँ देखो लर्निंग लिखा हुआ है तो लर्निंग नहीं भाई, देखो यहाँ टू के साथ लर्न लिखा हुआ है ना, तो बराबर होना चाहिए कि नहीं होते, यहाँ टू के साथ लर्न है तो यहाँ भी टू के साथ लर्न ही होगा ना, हम चेंज तो नहीं कर सकते इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कह रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच में चेंज करो, इसको इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, लिखा है द ओल्ड मैन एडवाइज्ड हिम। ठीक है, तो यहाँ एडवाइज की जगह पर आप सेट टू लगा सकते हो और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा, टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ ही होगा, टू हट जाएगा, टू जोड़ने के लिए लगा हुआ है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ ये सेंटेंस रहा होगा, उसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, सेम रहा है। ठीक है, तो द ओल्ड मैन एडवाइज्ड ट्रूथ बी टोल्ड, नहीं ट्रूथ बी टोल्ड नहीं भाई, ये पैसिव क्यों बना रहे हैं उसको, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ है ना, तो आप उसकी पैसिव बना दिया है कि ट्रूथ बी टोल्ड, ठीक ये नहीं होगा। दूसरा है कि द ओल्ड मैन सेड टू हिम ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो यही है जो यहाँ पे लिखा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये यहीं पे लिखा हुआ ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसी में दिया हुआ, एकदम से ये करेक्ट हो गया। आगे लिखा है ट्रूथ सेल ऑलवेज बी, सेल वेल कहाँ से आ जाएगा भाई, इंपरेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव में थोड़े ना चेंज करेंगे, आई एडवाइज्ड यू टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ ये भी नहीं होगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, इंपरेटिव में चेंज करना है उसको और एक ही सेंटेंस इंपरेटिव में है वो है दूसरा वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 12th वाला क्वेश्चन क्या है। यहाँ अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ए बी सी डी दिया हुआ है, आप इसको अरेंज करो, तो इसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, चलिए देखते हैं पढ़ के। लिखा है मनाली कलत, मनाली कलत वेनु बप्पू। ठीक है, अब ये इतना बड़ा नाम है, एक ही नाम रखते क्या दिक्कत यार, इतने में तो हम चार बच्चों के नाम रख लें तो चलो बापू ले लेते हैं। बापू इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनोमर हुज नेम इज एसोसिएटेड विद अ कॉमेट। ठीक है, ये पहले इंडियन एस्ट्रोनोमर है जिनके नाम पर एक धूमकेतु एक कॉमेट का नाम रखा गया है, बहुत महान बात है, बड़ी बड़ी इंडिया के लिए प्राउड होने की बात है। अब सब में ही लिखा हुआ, यहाँ भी ही, यहाँ भी ही, यहाँ भी ही, तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हम ए पहले रखेंगे, बी में ही लगा, सी में ही लगा, डी में ही लगा, और नाम इनका यहाँ पे आया है, ए पहला सेंटेंस होगा, इसमें ए पहले है, इसमें पहले नहीं है, इसमें पहले नहीं है, इसमें पहले नहीं है, पहले ए होगा, एक आंसर होगा, क्लियर हो गया, हम और आगे पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से देखा करो, कोई ज़रूरी है कि सारा पढ़ के लगाएं, हो गया हमारा काम, अब उसमें सर खपाने की क्या ज़रूरत है, बाद में इंटरव्यू में थोड़े ने पूछा जाएगा कि आपने अरेंजमेंट पढ़ के लगाया था कि बिना पढ़े लगाया था, बस आपका क्वेश्चन होना चाहिए, बस वहाँ पे आप ज्ञान ना दिखाइए अपना। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ है जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसमें अंडरलाइन क्या हुआ, ही ऑर्डर्ड फॉर 4 cups ऑफ टी एंड सम स्नैक्स, उसने 4 cup चाय और कुछ स्नैक्स के लिए ऑर्डर किया। तो पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, ये शायद ना जानते होंगे या जानते होंगे तो भी समझ लो, ऑर्डर अगर वर्ब है, ठीक है, अगर ऑर्डर वर्ब है तो यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं लगेगा,
फॉर समथिंग, ये समथिंग लिखा है समझ जाइएगा। अगर आर्डर वर्ब है तो यहाँ फॉर नहीं लगता, और अगर आर्डर आपका नाउन है ठीक है तब तो फॉर लगता है, फॉर समथिंग। ये बात आप नोट कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो, जैसा मन करे वैसा कर लो ठीक है। इन केस आर्डर इज यूज्ड एज नाउन इट इज़ फॉलोड बाय फॉर, इन केस आर्डर इज यूज्ड एज वर्ब इट विल नॉट बी फॉलोड बाय एनी प्रीपोजिशन लाइक फॉर ठीक है। तो अगर वर्ब है तो फॉर नहीं लगाना है। आप एक एग्जांपल देखो, यही जैसे यहीं लिखा है कि ही ऑर्डर्ड फॉर 4 कप्स ऑफ टी, तो यहाँ फॉर आपको नहीं लगाना चाहिए था। अगर यहाँ लिखा होता ही प्लेस्ड एन ऑर्डर, ही प्लेस्ड, प्लेस्ड वर्ब हो गया, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर, एन ऑर्डर अब क्या हो गया, ऑर्डर नाउन हो गया, अब लगाओगे फॉर 4 कप्स ऑफ टी ठीक है। क्लियर हो गया ना, तो ऑप्शन ढूंढो, ही ऑर्डर्ड 4 कप्स ऑफ टी, तो यहाँ देखिए 4 फार लिखा हुआ है, फार को तो लगाना ही नहीं है, ऑर्डर्ड 4 कप्स ऑफ टी ये एकदम से ठीक है। यहाँ भी फार लगा दिया है और यहाँ भी फार लगा दिया है, फार नहीं लगना है ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड वाला हो गया। आगे आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 14 के लिए तैयार हो जाओ। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, एक idiom है अंडरलाइन किया हुआ है। आयरीन पुल्ड अ फेस व्हेन सी हर्ड दैट जॉन वॉज कमिंग फॉर द मीटिंग, आयरीन का मुंह लटक गया। पुल्ड अ फेस का मतलब क्या हुआ, उसने मुंह लटका लिया जब उसने सुना कि जॉन मीटिंग के लिए आ रहा है, मिलने के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब किसी के आने की बात सुनकर अगर किसी का मुंह लटक जाता है, इसका मतलब वो अपनी नाराज़गी शो कर रहा है, उसको पसंद नहीं है, वो उस आदमी को पसंद नहीं करती, वो नाराज़ है, वो इस बात से खुश नहीं है उनके आने पर। मीनिंग आ जाओ निकालो, तो ये पुल्ड फेस का मतलब सो दैट यू गेट एन एक्सट्रीमली वेल, बिल्कुल नहीं है। सो दैट यू डू नॉट लाइक समथिंग बाई मेकिंग एन अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन, ये हो गया, हमें पसंद नहीं, हम अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन मुँह लटका के बैठ जाएंगे। सो दैट यू आर काइंड, बिल्कुल काइंड सिंपैथेटिक नहीं होता यहाँ पर, रिलैक्स्ड भी नहीं होगा ठीक है। तो यही होगा, हम नाराज, हमें पसंद नहीं उनका आना ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में, 15 में क्या है, आपको एंटोनीम बताना है किसका, टिमोरस का। टिमोरस का मतलब क्या होता है, नर्वस हो जाता है आदमी ठीक है। क्या हो गया, नर्वस हो गया, जब थोड़ा सा घबराया होता है, नर्वसनेस के लिए यूज करते हैं इसको। एम्बेसिलिक, एम्बेसिलिक मतलब पहले आपको एक सीजीएल वाले में हमने आपको बताया था, एम्बेसाइल एक वर्ड होता है, एम्बेसाइल का मतलब क्या होता है, इडियट, इडियट समझ रहे हो, मूर्ख के लिए यूज किया जाता है, स्टूपिड। तो हाँ, एम्बेसाइल का मतलब क्या हो गया, वो एडजेक्टिव, एम्बेसिलिक उसका एडजेक्टिव हो जाएगा, एम्बेसाइल नाउन था, तो एम्बेसिलिक मतलब मूर्खतापूर्ण हो जाएगा ठीक है। तो ये तो एंटोनिम हुआ नहीं, नर्वस का एम्बेसिलिक तो होगा नहीं। और मगी क्या होता है, मगी होता है जैसे ह्यूमिड है ठीक है, कोई चीज़ बहुत किसमें आ जाएगी, ह्यूमिड हो जाएगी। ह्यूमिड का मतलब जैसे गर्मी बहुत होती है, तो आर्द्रता जुलाई वुलाई के महीने में क्या होता है, हॉट होता है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाओ ब्रेजन पे, ब्रेजन का मतलब जानते होता है, बेशरम, बेशरम या ढीठ टाइप का आदमी होता है। तो ये थोड़ा बोल्ड होगा कि नहीं, नर्वस, कॉन्फिडेंट होगा तभी तो ढीठ हो पाता है। ब्रेजन का मतलब बेशर्म, और बेशर्म होने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, बहुत ढीठ होना पड़ेगा ठीक है। तो ये हमको एंटोनीम हमारा मिल गया। उसके बाद बेजर्ड क्या होता है ठीक है, तो बेजर्ड का मतलब जानते हो, ये होता है पेस्टर करना किसी को, पेस्टर अभी पिछले वाले में आया था। पेस्टर का मतलब होता है किसी आदमी को तंग कर देना, किसी आदमी से एक ही क्वेश्चन 10 बार पूछोगे तो क्या होता है, उसको पेस्टर करना हो जाता है ठीक। अब समझ में आया, ब्रेजन के अलावा कोई मीनिंग नहीं लग सकती है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में अपने, यहाँ पे एरर बतानी है आपको ठीक है। एरर है तो सी सैट अमिड अ रॉकिंग चेयर लिसनिंग टू सम म्यूजिक एंड रेमिनिसिंग अबाउट द पास्ट। तो एक वर्ड है रेमिनिसिंग का मतलब क्या होता है, अतीत को याद कर रहे हैं ठीक, बचपन को याद कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं। और रॉकिंग चेयर क्या होती है, एक चेयर होती है जिसमें नीचे ऐसे लगा होता है, तो उसमें क्या करते हैं ना कि उसमें आप ऐसे ऐसे हिलाइए खूब आराम से, मतलब झूले टाइप का बना होता है ठीक है। इमेज, इमेज देख रहे हो ना, हाँ तो बस इमेज देखते रहो, मुझे देखते रहो, ऐसे झूलते रहते हैं, उसको वीडियो नहीं लगा सकता था, चित्र लगा दिया हूँ, देख लो रॉकिंग चेयर यही होती है। अच्छा, चेयर में जब दोनों तरफ हत्थे लगे होते हैं, अब मैं आपको वो इमेज हटाओ, मैं तुम्हें ऐसे समझा रहा हूँ। सपोज करो एक चेयर है ठीक है, ये हो गई चेयर, इसमें ऐसे बना होगा, ये एक चेयर हो गई, तो इस पे बैठोगे तो ऑन लगता है, और अगर इसमें ये हत्थे लगे होंगे तो इसमें बैठने के लिए क्या लगता है, इन।
और अभी जो इमेज दिखा था रॉकिंग चेयर, उसमें भी दोनों ओर हत्थे लगे होते हैं। ये इजी चेयर होती है, आराम करने के लिए होती है। तो इसमें अमिड नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा? इन, ठीक है ना। अमिड होता है के बीच में, दो तीन लोगों के बीच में बैठेंगे तब अमिड होता है। और अमिड का मतलब होता है अमंग, सीधे सीधे इसका जो जनरल प्रीपोजिशन है वो अमंग है। तो अमंग इजी चेयर नहीं होगा, इन एन इजी चेयर होता है, ठीक है ना। अब क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका इन इनकरेक्ट कौन सा हुआ भाई? ये कहाँ है इन, इन ये अमिड लगा हुआ है, तो आंसर चौथा वाला होगा। ये ना सोचा कि पहले पार्ट में गलती हो गई तो आंसर वन लगा दें, वो देखना होगा कि पहले पार्ट में गलती हो तो पहला पार्ट ऑप्शन में कहाँ है, चौथे में है, ठीक है। आगे आ जाओ, जल्दी का काम शैतान का, और मैं जानता हूँ आप लोग शैतान तो फिलहाल नहीं ही हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। 17 में क्या कर रहे हैं कि रवीना वाज वेरी सिक टुडे। कौन? रवीना टंडन नहीं, कोई और है। तो रवीना वाज वेरी सिक टुडे, आज वो बहुत बीमार है। और लिखा एंड विल टेक हर, वी विल टेक हर टू हॉस्पिटल एज सी गेट्स वर्स, ठीक है ना। तो मतलब हम उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, एज वी मतलब क्या हुआ, वी विल टेक हर टू हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ दाबी नहीं लगना चाहिए, गलती ये भी है, लेकिन अब ये छोड़ो। यहाँ लिखा है एज सी गेट्स वर्स, एज सी गेट्स वर्स मतलब एज, क्योंकि वो और उसकी हालत ख़राब होती जा रही, क्योंकि ना लगाओ, यहाँ लगाओ ना बिफोर सी गेट्स वर्स, मतलब इससे पहले कि तबीयत और ख़राब हो जाए हम उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। देखो टेक्निकली यहाँ दा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब हॉस्पिटल वगैरह ऐसी जगह हैं जहाँ हम मेडिसिन के पर्पज़ से जाते हैं तो दा नहीं लगता है, आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। अब यहाँ पढ़ के देखते हैं कि वी टुक हर, भैया बीमार आज है तो टुक पास्ट में थोड़े ना ले जाओगे यार, तो टुक हर नहीं होगा। वी कैन टेक, कैन टेक क्यों लगाओगे, विल टेक ही सी है, वी विल टेक हर टू द हॉस्पिटल, ये द लगना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्पिटल नाउ बिफोर सी गेट्स वर्स, और उसकी तबीयत ख़राब हो इसके पहले हमें लेके जाना है, तो चौथा वाला ऑप्शन लो, यही चौथा वाला लगेगा। आगे आ जाओ अपने 18 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो आपके 18 में क्या दिया है, इज द एल्डेस्ट, ठीक है, ये लगा हुआ है आंसर है, मतलब क्वेश्चन है, सी इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर टाउन, वो हमारे मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग महिला हैं, सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं। तो अब देखो एक वर्ड होता है एल्डर और एक होता है ओल्डर, आप जानते होंगे। एल्डर किस में यूज कर सकते हो, केवल ब्रदर एंड सिस्टर में यूज कर सकते हो, अदरवाइज एल्डर नहीं यूज होता है मोहल्ले के लिए, आप एल्डर नहीं लगा सकते हो, वहाँ क्या होगा ओल्डर से लगाते हैं। अच्छा चूंकि सबसे सीनियर है तो एल्डेस्ट की जगह आप क्या लगाओगे, ओल्डेस्ट लगाओगे, क्लियर है कि नहीं। एल्डर जो वर्ड होता है केवल भाई बहनों में, सबसे बड़े भाई के लिए एल्डेस्ट लगा सकते हो ना, मोहल्ले के लोगों के लिए एल्डेस्ट नहीं लगा सकते हो। तो क्या होगा, इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी, क्लियर हो गया, तो ये चौथा वाला लगेगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। तो 19 में फिर अंडरलाइन क्या हुआ है, पूछ क्या रहे हैं, इसको अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, चलो तो मीनिंग बतानी होगी इसको। द मैनेजर ऑफ द होटल रिक्वेस्टेड द बोर्डर, ठीक है ना, तो जो होटल का मैनेजर था उसने रिक्वेस्ट किया बोर्डर से, तो बोर्डर व्हाट डू यू मीन बाय बोर्डर, तो बोर्डर मतलब हुआ जो होटल में रहने के लिए आए थे उनको बोर्डर कहते हैं। तो होटल के मैनेजर ने बोर्डर से रिक्वेस्ट किया टू मेंशन हिज वेयर अबाउट्स इन द रजिस्टर, रजिस्टर में अपना एड्रेस लिखो यार, ये वेयर अबाउट्स का मतलब यही होता है कि आप उसमें अपना एड्रेस लिखो। तो क्या आफ्टर मैच द ऑफेंस बिल्कुल नहीं होगा, रीजन ऑफ मॉरल डिग्रेडेशन बिल्कुल नहीं होगा, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, हाँ अरे यार गलत क्यों काटा, प्लेस ऑफ रेजिडेंस तो होना ही चाहिए ना, आपको एड्रेस पूछ रहे हैं तो आप वहाँ पे मेंशन करो वेयर अबाउट मतलब प्लेस ऑफ रेजिडेंस, या वेयर अबाउट मतलब आप अपना एड्रेस मेंशन करो, मोटिव ऑफ हीनस क्राइम नहीं होगा, क्लियर समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 में ये देखो क्या हुआ, ये अंडरलाइन किया हुआ है, सॉरी अंडरलाइन नहीं, स्लैश लगे हुए हैं, और स्लैश अपनी कहानी कह रहे हैं। लिखा है यू मस्ट मीट सुयस समटाइम, आपको सुयस से समटाइम मतलब मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। आई थिंक यू लाइक हिम, ठीक है ना, आई थिंक यू लाइक हिम। तो इसमें जो उन्होंने एरर बताई है वो एरर बताई है आई थिंक यू लाइक हिम में, ठीक है, आई थिंक यू लाइक हिम में एरर बताई है, और मुझे समझ में नहीं आया कि ये एरर उन्होंने कि क्यों बताई है। मतलब ये हुआ कि यू मस्ट मीट सुयस समटाइम, आपको कभी 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 ना कभी उससे मिलना चाहिए,
और आई थिंक यू लाइक हिम, आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि यू लाइक हिम, मतलब तुम उसको पसंद करते हो, तुम्हें वो अच्छा लगता है। तो हमें इसमें कोई एरर मिल नहीं रही थी। बच्चा लोग देखो, मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि इस सेंटेंस में मुझे कोई एरर नहीं मिल रही है। अगर आप लोगों को कोई एरर मिले, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं मतलब मैं ही सही बता दूंगा या मुझे ही पता होगा, मुझे इसमें कोई एरर नहीं नज़र आ रही है। हालांकि आयोग ने इसमें एरर मानी है, आई थिंक यू लाइक हिम, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई एरर मिलती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे फ़िलहाल एरर मिली नहीं, आयोग ने यही एरर मानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 21 में, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, देखो इसमें इन्होंने कहा कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो, ठीक। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए देखो लिखा है कि नंदिता वाज सीकिंग अ गुड रिसर्च, ठीक। नंदिता वाज सीकिंग अ गुड रिसर्च एरिया, तो अब यहाँ पर वाज सीकिंग लिखा हुआ है और अ गुड रिसर्च एरिया लिखा हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई, ठीक है। अब यहाँ लिखा कि वेयर शी कुड प्रिपेयर अ गुड प्रपोजल फॉर सबमिशन, तो यहाँ पे सी जो है सब्जेक्ट हो गया, कुड प्रिपेयर वर्ब हो गई, अ गुड प्रपोजल फॉर सबमिशन ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। दो जगह पैसिव बनेगी, एक यहाँ पर पैसिव बनेगी और एक यहाँ वर्ब का, ये ऑब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट का, दोनों पैसिव बनाना है आपको। तो दोनों में क्या होगा, वाज सीकिंग लिखा है तो यहाँ क्या होगा, बीइंग सीक की क्या होती है, सॉट, SOUGST, बीइंग सॉट, एक यहाँ होगा और कुड प्रिपेयर का कुड बी प्रिपेयर्ड यहाँ होगा। तो आप दोनों में ढूंढ लीजिए, उसके बाद जो आंसर मिले, तो यहाँ वाज सॉट नहीं होगा, वाज बीइंग सॉट होगा, यहीं छोड़ दो, वाज बीइंग सॉट यहाँ लिखा है तो यहाँ पे कुड बी प्रिपेयर्ड यहाँ भी मिल गया है, ठीक है ना। तो इसमें हमें दोनों जगह वर्ब सही मिल गई है, और आगे बढ़ना नहीं है, बस यहीं काट लो। हैड बीन शॉट, हैड बीन नहीं हो सकता, गलत होता है, वर होगा। आ गुड रिसर्च एरिया है तो वर नहीं होगा, वाज होना चाहिए था, क्लियर हो गया। और यहाँ पे कुड भी होना चाहिए था, खैर वो छोड़ो, जब हमको एक पार्ट में गलती मिल गई तो हम काहे इतने परेशान हो पूरे के लिए। तो ये दूसरा वाला आंसर आई थिंक क्या वो है ही है सही, ठीक है। एक में आई थिंक बोल दिया हूँ बस, और सब में नहीं बोलना है, तो ये गड़बड़ है। चलिए ये सही हो गया आपका दूसरा वाला, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको डायरेक्ट में चेंज करना है, ये इनडायरेक्ट दिया हुआ, लुई शेड, ये लुईस मत पढ़ना, लुई है, लुई शेड। अब यहाँ दैट है, वहीं इन्वर्टेड कामा लगाओ, इट वाज गेटिंग लेट, इट वाज, अब ये शेड पास्ट में है तो वाज का इज कर दो, इट इज़ गेटिंग लेट, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इट इज़ गेटिंग लेट यही सही होगा, ठीक है कि नहीं, कोई बता, ये तो आराम से हो गया जल्दी से। चलो तो आगे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 23 में। तो 23 में क्या है, फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया, चलो आ जाते हैं। तो लिखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स आर गाइस, आर गाइस तो एक मतलब कोलोकियल वर्ड है, यूज कर दिया जाता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट आर गाइस हु हैव बीन मेटिकुलसली एक्सकेवेटिंग, जो बहुत मेटिकुलसली मतलब बहुत ही मेथडिकली एक्सकेवेट करते हैं। एक्सकेवेट करने का मतलब क्या हुआ, हिस्टोरिकल साइट्स की खुदाई करवाते हैं, स्टडी करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट्स लिखा हुआ है। अब लिखा है कि दीज पीपल, दीज पीपल कौन है, वही आर्कियोलॉजिस्ट है, मतलब बी के पहले ही ए आना चाहिए, ये बात तो तय हो गई, ठीक है, बी के पहले ही ए आना चाहिए। तो यहाँ बी के बाद में ए है, ये होगा ही नहीं, यहाँ ए है बी के पहले, यहाँ ए है बी के बाद में, नहीं हो सकता, यहाँ है ए के बाद में बी, तो दो चांस हमारे बन रहे हैं। तो क्या डी से शुरू हो सकता है, डी देख लेते हैं, इन एन एफर्ट टू फाइंड सोल्यूशन टू न्यूमरस प्रॉब्लम्स दे हैव अटेम्प्टेड टू पुट ऑल दीज हिंट्स, दे मतलब कौन, आर्कियोलॉजिस्ट है, तो इसमें दे लगा हुआ है, डी से स्टार्ट नहीं कर सकते, सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, आर्कियोलॉजिस्ट लिखना पड़ेगा, क्लियर हो गया। तो हमारा मतलब क्या हुआ, अब ऑप्शन यही एक बचा हुआ है ABCD का, हमने काट पीट के कर दिया, आपका मन हो तो उसको पूरा लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है, यही होगा। हमने क्यों काटा, कैसे काटा, ये आप लोगों को पता चल गया है, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी ऐसे होगी, ऐसे ही काट पीट के सही कर लेना उसको, क्लियर हो गया ना, ठीक है। क्रॉस चेक करना हो तो आप एक कोर्स से पढ़ के देख लेना इसको, आपको फिट लगेगा ABCD ठीक लगा हुआ है, ठीक है।
हम तो कारण से काटे हैं ना, दीज पीपुल यहाँ लिखा है, दे यहाँ लिखा है, दे यहाँ लिखा है, ये लग ही नहीं सकता, पहले ए ही आएगा, तो स्टार्टिंग हो गई ए से, क्लियर। चलिए आगे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में क्या है, पुलिस टर्म्ड इट एज ऑफ राइट इन ऑन विच टू ऑफ देयर कलीग्स वर किल्ड एंड मेनी स्पेक्टेटर्स गॉट इंजर्ड। पुलिस ने इसको क्या दंगे के रूप में, दंगा का नाम दिया, जिसमें उनके दो कलीग मतलब दो पुलिस वालों को गोली लगी, मतलब वो उनकी डेथ हो गई है और बहुत सारे दर्शकों को चोट लगी है, इंजर्ड हुए हैं। तो पुलिस टर्म्ड इट एज तो लग सकता है, एज ऑफ राइट, ऑफ लगाने की जरूरत नहीं, पुलिस टर्म्ड इट एज राइट, दंगा उन्होंने उसको टर्म किया, ऑन विच नहीं इन विच, एक दंगा जिसमें दो पुलिस वाले मारे गए और बाकी लोग घायल हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहली बात तो अभी मैं एक बार इसको क्लियर कर दूँ, आप लोगों को बता दूँ, ऑन नहीं होगा, इन होगा, तो यहाँ थ्रू नहीं होगा, यहाँ फार नहीं होगा, यहाँ इन होगा केवल, यहाँ अबाउट नहीं होगा, इन विच दंगे में, ठीक। तो एक ही ऑप्शन आपका है तीसरा वाला। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या करना है, साइनोनिम बताना है किसका, एग्जैक्टली का। एग्जैक्टली का प्रिसाइजली होता है, ये वर्ड इसके पहले भी आ चुका है, मैं आपको बताया हूँ, प्रिसाइजली मतलब एकदम एक्यूरेट, एकदम एग्जैक्ट होता है, ठीक है। प्राइवेटली ये नहीं होगा, टोरिडली का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टोरिडली, तो ये होता है बहुत गर्मी, मतलब जैसे होते हैं जब बहुत गर्मी होती है कहीं पर, उसको कहते हैं टोरिडली, ग्रेट हीट होती है। कॉस्टली का मतलब बहुत महंगा होगा, तो कोई लेना देना नहीं है उसका, एक वही प्रिसाइजली आएगा। अब आ जाओ 26 में भाई, ये रहा आपका 26, एरर बतानी है आपको, एरर बतानी है। तो लिखा द CEO अनाउंस्ड दैट द कंपनीज प्रॉफिट हैज़ फॉलन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट क्वार्टर। यहाँ तक तो ठीक था यार, लेकिन जब इन्होंने कहा लास्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर लास्ट लगा दिया तो हैज नहीं हो सकता ना, अब हैज़ फॉलन का क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हमें हैज अलग कॉलम में लिखा है, फॉलन अलग कॉलम में लिखा है, प्रॉब्लम आ गई। तो क्या करना होगा, इस हैज को हम हैड कर देंगे तब भी काम चल जाएगा, फिलहाल हैज तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता है, होना चाहिए था फेल, लेकिन हैज फॉलन अगर ये अगर एक बॉक्स में होता तो यहाँ पर फेल होना चाहिए था, एग्जैक्टली सही तो ये है, ठीक है। पर अगर ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिल पा रहा है तो करेंगे क्या, मजबूरी है, लास्ट क्वार्टर दिया है तो हमें पास्ट में तो जाना ही पड़ेगा, हैज तो नहीं हो सकता किसी कीमत पर, ये गलत हो गया। अच्छा गलती एक में आपको और दिखाऊं, आपको गलती यहाँ दिखाऊं, इन द लास्ट क्वार्टर लिखा हुआ है ना, जब लास्ट या पास्ट लिखा होता है, नेक्स्ट है, लास्ट होता है और टाइम बता रहा होता तो उसके पहले इन द भी नहीं लगता है, फॉलन सिग्निफिकेंटली लास्ट क्वार्टर, इसमें इन द लगाने की ज़रूरत नहीं थी, फिलहाल यहाँ गलती नहीं है, आयोग ने भी गलती कहा मानी। अच्छा ये बड़ी, ये तो इन द वाला तो माइनर मिस्टेक है, लास्ट क्वार्टर के साथ में हैज लगाना तो ब्लंडर हो जाएगा ना, तो वही काटना, आप लोग भी वही काटना, जब एक बड़ी एक छोटी गलती हो तो हमेशा बड़ी गलती को काटा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, इसमें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, ठीक है। तो ये रिफ्यूज्ड वर्ब है, तो रिफ्यूज्ड हो गया, तो रिफ्यूज चूँकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, वाज रिफ्यूज्ड, हिम इधर ले आओगे ही हो जाएगा, गार्ड इधर लग जाओगे बाय द गार्ड हो जाएगा। अब ऑप्शन ढूंढ लो, अब क्या होना चाहिए, आपका क्या मिल रहा है यहाँ पे, ही इज नहीं होगा भाई, वाज होगा, तो एडमिटेंस वाज रिफ्यूज, गार्ड भी गायब हो गया, ही भी गायब हो गया, किसका एडमिशन रिफ्यूज किया गया, दिया ही नहीं है, एडमिटेंस वाज नॉट, नॉट कहाँ से मिल जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, वाज नॉट गिवन, रिफ्यूज की जगह आप वाज नॉट गिवन लिखोगे, तो ही वाज रिफ्यूज, हाँ ये है वह हमारा, ही इधर आ गया, वाज रिफ्यूज कर दिया, ही वाज रिफ्यूज एडमिटेंस बाय द गार्ड, तो ये चौथा वाला ले लो, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हुआ, 29 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करना है आपको, साइनोनिम बताना है किसका, ग्लोरियस का। ग्लोरियस को देखो, अगर शुद्ध हिंदी में हम कहें तो इसका मतलब होता है यशस्वी, ठीक है ना, बहुत ही प्रतिभा यशस्वी होता है ग्लोरियस का, ठीक। अब ग्लोरियस के लिए आप क्या करोगे, डल तो एंटोनीम हो जाएगा, स्प्लेंडिड मतलब शानदार होता है, शानदार, आलीशान, वैभवशाली,
तो ये करीब करीब सिमिलर जा रहा है। तो ये लगाओ आप स्प्लेंडेड। इमेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। ये क्या होता है? वेरी मच। इमेंस हो जाता है वेरी मच। कीन का मतलब क्या होता है? क्यूरियस होता है, बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, जिज्ञासु होगा। तो ये लग नहीं पाएगा आपका, स्प्लेंडेड ही ठीक है। अब आओ 29 पे। ठीक, 29 में आपको एंटोनीम बताना है। तो एंटोनीम किसका बताना है? नॉमिनल का। नॉमिनल का मतलब क्या हुआ? मतलब नाम मात्र का। नॉमिनल क्या होता है? नाम मात्र का। नाम मात्र का मतलब क्या हुआ? बहुत ही कम क्वांटिटी में। ठीक है, तो अब यहाँ आइडेंटिकल हो गया। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ? एकदम हूबहू एक दूसरे, जैसे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं तो आप उसमें अंतर नहीं कर पाओगे। हूबहू, जहाँ उसके तिल वहीं उसके तिल। ठीक है, ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, मतलब एकदम ट्रू कॉपी समझ लो उनको। तो ये तो यहाँ लगाना नहीं है। अमाउंट का वर्ड है वो एक्सेसिव का मतलब क्या हुआ? अत्यधिक। तो एक्सेसिव का मतलब हो गया यहाँ पे प्लेंटी। अब वो नाम मात्र का है, ये प्लेंटी है, तो ये आपका एंटोनीम हो गया। लिबरल का मतलब क्या होता है? बहुत ही उदार होता है। किस मामले में उदार होता है? तो ये उदार होता है जैसे मतलब डिसिप्लिन के मामले में लिबरल होता है, थोड़ा उदार, लीनियंट कह सकते हो इसको। हाँ, इसके लिए एक और वर्ड मिला हमको, लीनियंट। ठीक है, आप ये लगा सकते हो। एड्रॉइट का मतलब होता है बहुत ही क्लेवर, क्या काम करने में, कोई कार्य करने में बहुत क्लेवर होता है, बहुत प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, स्किल्ड या डेक्स्ट्रस कह सकते हो एड्रॉइट के लिए। ठीक है, चले आगे। आंसर आपको मिल चुका है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 30 में। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। देखें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 30 में। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो पैसिव में चेंज करना है, यानी कहा डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम। तो इम्परेटिव सेंटेंस ना, डोंट मेक अ नॉइज, इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं लेट से भी, लेकिन लेट से कोई स्टार्ट नहीं हुआ है, सब में शुड लगा हुआ है। तो अगर लेट नहीं लगा सकते हो तो शुड लगा के बनाओगे तो क्या होगा? तो यहाँ लिखा है कि नॉइज शुड नॉट बी मेड, ये हो गया, नॉइज पहले आ जाएगा और शुड नॉट बी मेड। तो ढूंढो नॉइज शुड नॉट बी मेड इन बाय यू इन द क्लास। ये तो ठीक है, मैं ज़रा क्लियर कर दूँ तब आपको बताऊँ। ये तो ठीक लग रहा है। बेटर नॉट बी मेड ये होगा नहीं, नॉइज शुड नॉट हैव कहाँ से पा गए यहाँ पे, कैन नॉट नहीं लगेगा, पहला वाला ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। तो देखें 31 में क्या है, अंडरलाइन क्या हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको सब्स्टिट्यूट करना है अगर यहाँ कोई गलती होगी तो, अगर नहीं होगी, नहीं गलती होगी ही होगी क्योंकि नो सब्स्टिट्यूशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आइदर माय सिस्टर आर माय ब्रदर आर कमिंग टू द मीटिंग। ठीक है, गलती क्या हो गई इसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब दो सब्जेक्ट को, माय सिस्टर एंड माय ब्रदर, दो सब्जेक्ट को हम आइदर आर, ये आइदर हुआ और आर, आइदर आर से जोड़ते हैं तो वर्ब एग्रीज विद द सेकेंड सब्जेक्ट। तो जो वर्ब है वो सेकेंड सब्जेक्ट को एग्री करती है। तो आर कमिंग शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू माई ब्रदर, एंड माई ब्रदर बींग सिंगुलर सब्जेक्ट इट विल बी फॉलोड बाई इज नॉट बाई आर। तो यहाँ पे इज लगना चाहिए, आर नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ माई ब्रदर कम, देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, कम फिर से प्लूरल वर्ब हो गई, तो ये कम्बिनेशन भी गलत हो गया। माई ब्रदर इज कमिंग, यही तो है जिसे हम लोग ढूंढ रहे थे इतनी देर से। माई ब्रदर डू नॉट कम, डू नॉट कम, देखो फिर वही हो गया, माई ब्रदर के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लग पाएगा। माई ब्रदर इज कमिंग, ठीक है ना, तो माई ब्रदर इज कमिंग दो ऑप्शन में नहीं। यहाँ गलती क्या हो गई, यहाँ देखो माई ब्रदर्स लिखा हुआ है तो ब्रदर्स प्लूरल हो गया, ये नहीं लग पाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब तो गलत हो गया। आपके पास एकमात्र ऑप्शन है सेकेंड वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या है, एरर है। ठीक है, ये स्लैश लगे हुए हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको एरर ढूंढनी है। चलिए आई बॉ, ही बॉट अ पेन। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ही बॉट अ पेन, अ पेन वॉज सिल्वर ग्रे इन कलर। ओहो हो, पेन दो बार जिक्र आया, उसने एक पेन खरीदी। अब हमें पता है कि ये कौन सी पेन, यहाँ जब लिखा पेन वॉज सिल्वर ग्रे तो वही वाली पेन जो इसने यहाँ खरीदी है वही पेन है ना, तो अब पेन डेफिनेट हो गई, डेफिनेट हो गई, तो अब पेन के पहले आ नहीं लगेगा, अब दोबारा आएगा तो इसके पहले क्या लगेगा, द पेन होगा। ही बॉट अ पेन, द पेन वॉज सिल्वर ग्रे, तो कहाँ है ये, आ गलत हो गया, यहाँ पे द होना चाहिए था, तो आपका ये सेकेंड वाला होगा। ठीक है, आगे आ जाओ,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या हुआ, रिपोर्टेड स्पीच, फिर मतलब इनडायरेक्ट में चेंज करो इसको। ही सेड आई विल गो एंड रिटर्न क्विकली, ही सेड आई विल गो एंड रिटर्न क्विकली, उसने कहा कि आई विल गो। अब आई विल गो, आई कौन हो गया, ही हो गया, विल क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, क्योंकि ये सेड है तो विल का वुड हो जाएगा, ठीक है। तो ढूंढ लो, इतना ही तो खाली बदलना है और कुछ बदलना नहीं है। तो ही सेड दैट ही वुड गो, ये लिखा है, ही सेड दैट ही वुड गो एंड रिटर्न क्विकली, ये एकदम से सही है। यहाँ देखो विल का विल रहने दिया, गलत हो जाएगा ये। अब यहाँ देखो आई लिखा हुआ है, आई चेंज करना चाहिए था, ही होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। अब इसमें देखा है ही वुड गो तो ठीक है, एंड आई विल, अब यहाँ आई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। तीन गलत निकले, तो आपका एक ही ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 34 में, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 34, फिर से एरर का क्वेश्चन है। तो लिखा है शॉप्स आर नॉट अलाउड टू रिमेन ओपन आफ्टर 8 PM फ्रॉम द लॉकडाउन, ठीक। तो शॉप्स आर नॉट अलाउड, ये तो ठीक है, शॉप्स के लिए आर लगा है, नॉट अलाउड पैसिव वॉइस में है, करेक्ट है। टू रिमेन ओपन का मतलब खुली रहना, ये भी सही है। आफ्टर 8 PM ये भी सही है। फ्रॉम द लॉकडाउन, लॉकडाउन से कि लॉकडाउन में, तो गलत हो गया। क्या हुआ, फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ होगा, या तो आप लगा सकते हो ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ये लगा लो, या फिर लगा लो इन द लॉकडाउन, ये दो ऑप्शन हो सकते थे। तो फ्रॉम द लॉकडाउन गलत हो गया, कहाँ गया, ये है फ्रॉम द लॉकडाउन गलत है, थर्ड वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। तो ये आज का आपके डिस्कशन का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि 35 क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट पार्ट में करते हैं, सेकेंड में 30 क्वेश्चन करते हैं ग्रामर के। तो ये वाला क्वेश्चन भी एरर का है। देखिए लिखा एज ट्विलाइट सेटल्ड, ये ध्यान रखिएगा सेटल्ड पास्ट में है वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। एज ट्विलाइट सेटल्ड अपॉन द बस्टलिंग सिटी, ये हो गया। इट्स स्ट्रीट्स कम अलाइव, अब देखो स्ट्रीट्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कम, कम क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पास्ट है और यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। मतलब जब ट्विलाइट सेटल्ड अपॉन द बस्टलिंग सिटी, तो स्ट्रीट्स कम अलाइव, मतलब तारों का टिमटिमाना वो हो गया, डूब गया, तो लाइट जो सिटी थी, जो स्ट्रीट्स थी, वो अलाइव हो गई। तो दोनों पास्ट में होना चाहिए ना, उसी के समय की बात तो होगी। तो ये जो कम है वो क्या होना चाहिए था, केम होना चाहिए था, क्लियर हो गया। तो कहाँ लगेगा, आपकी गलती क्या है, स्ट्रीट्स केम अलाइव हो जाना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत है, नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये 35 क्वेश्चन हम लोग आज कर लिए, किसके, पार्ट वन के, ठीक है। तो ये डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग कल करेंगे इसी पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के 65 तक के, उसके बाद थर्ड पार्ट में चलेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।